तो क्या करूं योगी जी, जेब से पैसे निकालूं? आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी भी गन्ने की फसल है ऐसी पूरी की पूरी खड़ी फसल को मैं 200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद लेता हूं। मैं एडवांस 50,000 रुपए दिए देता हूं और बाकी फसल आपकी जब कटती रहेगी और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर धर्म कांटे पर वजन होकर जो भी वजन बैठेगा उसके हिसाब से पैसा देता रहूंगा। हाँ, 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं गन्ना खरीदूंगा आपका। आपको कहीं पर भी इस गन्ने को शहर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर घर ही पर पैसा आ जाएगा आपका। लेकिन सेठ जी, मैं अकेले कैसे जवाब दे सकता हूँ? इस गन्ने की फसल को मैंने और मोदी जी ने मिलकर खेत में उगाया है और हम दोनों मिलकर ही इस गन्ने की फसल को बेचेंगे। और वो देखो मोदी जी आ भी गए। मोदी जी अपने गन्ने की फसल को ये खरीदने के लिए व्यापारी यहाँ शहर से 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना सारा का सारा गन्ना मांग रहे हैं। 50,000 रुपए एडवांस भी दे रहे हैं, बाकी धर्म कांटे से वजन जो तुलता रहेगा उसके हिसाब से पैसा दे देंगे। तो योगी जी, अभी तुमने हाँ तो नहीं बोला है? नहीं मोदी जी, मैं आपके बगैर हाँ कैसे बोल सकता हूँ? योगी जी, ये शहर से व्यापारी इसलिए आ रहे हैं अपने गांव में गन्ना खरीदने के लिए क्योंकि इस साल गन्ने का रेट ज्यादा होने वाला है और गन्ना महंगा बिकेगा, इसीलिए अपना लोग शहर में ही ले जाकर गन्ने को बेचेंगे। भाई साहब सेठ जी, आप अपने शहर लौट जाइए, हम गन्ना नहीं बेचेंगे। देख लो मोदी जी, आपका गन्ना यहीं से जा रहा है, आपको इसे काट कर और भर कर शहर भी ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पैसा सारा का सारा मिल रहा है। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया भाई साहब, सोच लिया। मैं इस गन्ने को यहाँ पे नहीं बेचूंगा, चीनी मिल में शहर में ले जाकर गन्ने को बेचूंगा। इस बार गन्ने का सरकारी मूल्य ज्यादा मिलेगा। वैसे मोदी जी, अगर आप इस गन्ने को यहीं पे बेच देते तो मैं भी अपना गन्ने की खेती को इन सेठ जी को बेच देता। लालू जी, अगर आपको अपनी फसल गन्ने की बेचना है तो बेच दो इन सेठ जी को, मैं तो फिलहाल शहर में ही चीनी मिल में ले जाकर इस गन्ने को बेचूंगा। वैसे मोदी जी, अगर इस सेठ जी को ये गन्ना बेच देते तो मैं भी गन्ना सेठ जी को बेच देता। अरे केजरीवाल, मोदी जी जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। लगता है इस बार गन्ने का मूल्य ज्यादा रहेगा, नहीं तो ये शहर के व्यापारी गांव में गन्ना खरीदने क्यों आते? और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आज तो मंडी में बहुत ज्यादा पपीता लेकर आए हो, लगता है इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। राहुल, तुमने मेरी पपीते की फसल पर नजर लगा दी है। मेरे हिसाब से मेरे पपीते के 1,000 पेड़ों में से 2 ट्रक पपीता निकलना चाहिए था और 1 ट्रक भर के पपीता निकला है। लेकिन राहुल, मैं जब भी मंडी में पपीते लेकर आता हूँ हमेशा तुम यही कहती हो कि बहुत अच्छी फसल हुई है। चलो वो सब छोड़ो, 20 रुपए किलो के हिसाब से पपीते की बोली लगेगी, इससे कम रेट में मैं बोली की शुरुआत नहीं करवाऊंगा, क्योंकि देख लो कैसा पपीता है मेरा सामने कटा रखा है। मेरी तरफ से पहली बोली 25 रुपए किलो। अरे केजरीवाल, क्या बात है, एकदम 25 रुपए। 30 रुपए किलो के हिसाब से सारे पपीते मैं लेता हूँ मोदी जी के, बहुत गजब के पपीते हैं। ऐसे कैसे लेते हो अमित शाह जी, हम क्या ये पपीते देखने के लिए आए? मोदी जी का पपीता जब भी आता है मंडी में सबसे पहले मैं आता हूँ इनके पपीते के ढेर के पास, 50 रुपए किलो के हिसाब से ये पपीता मैं खरीदता हूँ। लेकिन योगी जी, आप खरीदोगे तो तब जब आपसे ऊपर कोई बोली नहीं लगाएगा, 60 रुपए किलो के हिसाब से पहली बोली मेरी। अरे भाई, कैसे 10-10 रुपए किलो पर बढ़ा रहे हो, कम से कम 50-50 रुपए किलो पर बढ़ाओ। देख रहे हो इस बार पपीते को उगाने में बहुत लागत आ गई। लालू जी ने 60 रुपए किलो की बोली लगा दी, उससे ऊपर कोई है खरीदने वाला? 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो के हिसाब से ये पपीता मैं खरीदता हूँ मोदी जी, सारा का सारा मुझे तोल दो। अरे अखिलेश, इस मंडी में तुम अकेले व्यापारी थोड़ी हो, हम भी तो खड़े हैं। 90 रुपए किलो के हिसाब से मैं खरीदता हूँ इस पपीते को। 100 रुपए किलो के हिसाब से मैं खरीदता हूँ इस पपीते को। 100 रुपए में हाँ या ना का जवाब दो मोदी जी। अरे हाँ ना का जवाब बो देंगे केजरीवाल, ऐसे कैसे 100 रुपए किलो तुम पपीता ले लोगे? 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ये पपीता मेरा हुआ, 250 रुपए किलो। केजरीवाल, आज मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे? इस बोली से मैं अपने हाथ पीछे खींचता हूँ, 250 रुपए किलो के हिसाब से मोदी जी अपना सारा पपीता इस राहुल को दे दो। आज तो दिन न्यारे हो गए, ज्यादा व्यापारी जब मंडी में आते हैं तो बहुत अच्छे रेट में माल बिक जाता है। और महिलाओं को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, इतनी भयंकर बाढ़ तो मैंने आज तक नहीं देखी, पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आधे पैरों तक पानी था, अब कमर तक पानी आ गया। हाँ मोदी जी, क्या करूँ, मुझे भी इस गांव को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी बारिश रुकी नहीं रही है और जब तक बारिश नहीं रुकेगी ये पानी बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए ये अच्छा है कि जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएं। लेकिन मोदी जी,
आप कहाँ जा रहे हो ये सूट बूट पहनकर इतनी भयंकर बाढ़ में, बताओ तो। अरे क्या बताऊँ सोनिया जी, नौकरी पर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ, अपने गांव के पंचायत घर में जा रहा हूँ, क्योंकि इस गांव का सचिव हूँ मैं, इसीलिए मुझे तो पंचायत घर में जाना ही होगा। लेकिन पंचायत घर में भी जाने का क्या फायदा, क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब आपके हाथ में छाता है तो बारिश में क्यों भीग रहे हो, छाते को लगा लो। और दूसरी बात, जब इस गांव में इतना ज्यादा पानी है तो गांव में तो पंचायत घर भी है, पंचायत घर में भी तो कमर कमर भर पानी होगा, वहां जाकर क्या करोगे आज नौकरी पर। सब लोग इस गांव से बाढ़ को देखकर जान बचाकर भाग रहे, आपको नौकरी की पड़ी है। हाँ सोनिया जी, ये बात को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि जब इस गांव में बाढ़ का पानी कमर कमर भर हो गया तो पंचायत घर में भी तो इतना ही पानी होगा, और इतने पानी में कोई पंचायत घर में पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन मुझे दूसरे से क्या मतलब, मैं तो अपनी नौकरी पर जाता हूँ, वहां पर पंचायत घर में खड़ा रहूंगा, मुझे बाढ़ से क्या मतलब, मुझे अपनी नौकरी देखना है। अरे राहुल कहाँ रह गया, राहुल बेटा। अरे मम्मी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पीछे मुझे देखो, इधर देखो। एक तो आपने इस बाढ़ में मेरे कंधे के ऊपर ये प्याज का इतना बड़ा कट्टा लाद रखा है। अरे इस बाढ़ में इस प्याज के बोरे को देखा जाएगा या अपनी जान को देखा जाएगा। मेरे बेटे प्याज को देखा जाएगा, प्याज को देखना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था कि प्याज बहुत महंगी होने वाली है, इसीलिए प्याज लेकर चल यहाँ से कम दूसरे गांव में ले जाकर इस प्याज को अच्छे रेट में तो बेच देंगे। सोनिया जी आप भी इतनी भयंकर बाढ़ में इस प्याज को देख रही हो, अरे जान बचाकर भागो इस गांव से, राहुल प्याज के बोरे को यहीं फेंक दो। मोदी जी आप भी तो इतनी भयंकर बाढ़ में अपनी नौकरी को देख रहे हो, मैं तो फिर भी प्याज को देख रही हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।